हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलिए हम आज आपको ले चलते हैं ठाकुर देव महोत्सव मेला 2022 अमांड कुक्कुट संगम चंद्रशेखरपुर एड़ू तहसील धरमजगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। दोस्तों आज है 15 अप्रैल 2022 और आज हम लोग देखते हैं, चलिए सेवा पूजा एवं अन्य देवी देवताओं की स्थापना। वहाँ पर ठाकुर देव जी के अलावा अन्य 11 देवी देवताओं का स्थापना किया जा रहा है, तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर उपलब्ध होता रहे। चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जल विभाग चलिए दोस्तों आपको बता दें कि इन जो देवी देवताओं का स्थापना किया जा रहा है उनका हम लोग पूजा अर्चना क्यों करते हैं। बिहार है
गांव बसाने के लिए जिस डीह पर डीहारन ने पांव रखा वहां पर सभी पेड़ लगाकर एक पत्थर रखकर प्रकृति शक्ति की स्थापना किया गया। पुरखाओं के स्थापित परंपरा अनुसार सुख समृद्धि और पुरखाओं से आशीर्वाद लेने हेतु वहीं पर हर तीज त्यौहार में ग्राम बैगा पूजा करते हैं। ठाकुर ईश्वर गौरा ठाकुर देव जी ने हर गांव में गांव बसाया और गांव के मुखिया को ठाकुर का पद नाम दिया। मुखिया के द्वारा गांव का संचालन किया जाता था। इसी तरह 5, 10, 50, 100 गांव और पूरे पृथ्वी के लिए भी एक मुखिया चुना गया जिसको शंभुपद नाम से संबोधित किया गया। शंभु ने 88 पीढ़ी तक राज किया। पहले बिना विवाह किए जोड़ा बंधा कर जीवन यापन करते थे। मध्य पीढ़ी का शंभु जिसका नाम ईसर राजा था उसका और गौरा रानी का प्रथम विवाह कराया गया। इसलिए पुरखाओं द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार उस माह में ईसर गौरा का पूजा पाठ के उपरांत ही विवाह किया जाता है। खम्मेश्वरी खम्मेश्वरी गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी प्रकार उठाता है जिस प्रकार घर में धारण उठा घर का सारा बोझ उठाकर रखता है। पुरखाओं के स्थापित परंपरा अनुसार सुख समृद्धि और पुरखाओं से आशीर्वाद लेने हेतु हर तीज त्यौहार में देवरास और कोला बारी में ग्राम बैगा पूजा पाठ करते हैं। कोंदादेव सात भाइयों में से एक है। कोंदादेव और खम्मेश्वरी उनके भाइयों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराने में सहयोग करते थे। इसलिए कोंदादेव और खम्मेश्वरी की पूजा त्यौहार के समय में ग्राम बैगा द्वारा देवरास में किया जाता है। देव एवं अंधियार सभी के घर में एक कर घर बना होता है जिसमें उनके देवी देवता दूल्हा देव और अंधियारी वास करते हैं। वे दोनों पति पत्नी हैं। जब पहली बार गोत्र बना तब विभिन्न गोत्रों के घर में जिनका पहला विवाह हुआ उन्हें उस घर का दूल्हा देव और अंधियारी माना गया। पुरखाओं के स्थापित परंपरा अनुसार सुख समृद्धि और पुरखाओं से आशीर्वाद लेने हेतु हर तीज त्यौहार शादी आदि कार्यक्रम के समय भीतर घर में पूजा उपरांत भोजन पकाकर पहले कुल देवी देवताओं को और उसके बाद केवल उसी गोत्र के सगाओं को भोजन परोसा जाता है। झगड़ाखांड युद्ध कला में पारंगत थे। युद्ध के दौरान तलवार भाला और खड़ा का उपयोग कर दुश्मनों को हराने में माहिर थे। इसलिए युद्ध में भाग लेने के पूर्व झगड़ाखांड को सुमिरन करते हुए पूजा करने के उपरांत ही युद्ध के लिए प्रस्थान किया जाता था। पुरखाओं द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार हर त्यौहार में विशेषकर
दशहरा त्यौहार में घर और आंगन में घर के मुखिया द्वारा झगड़ा खांड का पूजा किया जाता है। ढोड़ी गोसाई। पहली बार जब गांव बसाया गया तब ढोड़ी गोसाई के द्वारा हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ढोड़ी बनाया गया। पुरखाओं के स्थापित परंपरा अनुसार विवाह के समय मांदी भात के लिए उसी ढोड़ी से पानी लाया जाता है। पाठ देव, इनके बारे से भी जानकारी एकत्रित किया जा रहा है। ठेंगहा देव ठेंगहा लाठी लेकर गांव में घूम घूम कर गाँव की रक्षा करता था। इसलिए गांव की रक्षा हेतु गांव द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार हर गांव के देवरास में ग्राम पैदल द्वारा ठेंगहा देव की पूजा किया जाता है। खूंट गौरैया। खूंट गौरैया हर पशुओं को काबू करने में और पशुओं की रखवाली करने के लिए सक्षम थे। इसलिए हर घर के कोठा में खूंट गौरैया की स्थापना खूंट शक्ति के रूप में किया जाता है। बूढ़ी माई ठाकुर जी की सबसे छोटी बहन थी। बूढ़ी माई गांव के सभी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटी से करने में समर्थ थी। इसलिए पुरखाओं द्वारा स्थापित परंपरा अनुसार नीम पेड़ के नीचे बूढ़ी माई की पूजा त्यौहार के समय ग्राम के बैगर के द्वारा किया जाता है। यदि गांव में कोई भी महामारी फैलती है तो बूढ़ी माई की पूजा कर बीमारी की निकासी किया जाता है। चलिए
चलिए दोस्तों इस भाग में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर। अगले भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय ठाकुर देव। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। बाय बाय।